सोशल मीडिया को तो हम देख करके नहीं बोलेंगे, हम उनके साथ रहते हैं, काम करते हैं। तो अगर अच्छा आदमी नहीं रहते तो कोई टिकेगा? एक साल टिकेगा, दो साल टिकेगा, पांच साल टिकेगा, दस साल बीस साल तो नहीं टिकेगा। कुछ डायलॉग्स में चाहूंगा जो कि पवन जी कभी बीच में रहते हैं, जो आप कमेंट बाजी करते हैं हमेशा, चाहे डांसर हो चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर जो आप कमेंट बाजी करते हैं, उस तरह का एक छोटा सा कमेंट बाजी में चाहता हूँ, क्योंकि दर्शक आपको उससे ज्यादा जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन में, हूं आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त हमारे साथ छोटे बाबा जी हैं, जो कि हर वक्त पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ स्टेज पे आप लोग इनको देखते होंगे। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, सब भोजपुरी श्रोता और भोजपुरी दर्शक का बहुत बहुत आशीर्वाद है हम लोगों पर, सब ठीक ठाक है। सबसे पहले तो आपको बधाई कि इतने दिनों से पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ लगातार आप स्टेज शो कर रहे हैं, और उनके स्टेज शो में अगर भैया हिट होता है तो सबसे बड़ा कारण छोटे बाबा हैं। ये सब पब्लिक का आशीर्वाद है, माता रानी का कृपा है, चल रहा है। ये बताइए, आप ये कैसे कंट्रोल करते हैं जब पवन सिंह नहीं आते हैं, लेट हो जाते हैं, आधा एक घंटा लेट हो जाते हैं, जाम में फंस जाते हैं, तो उस टाइम आप पब्लिक को कैसे कंट्रोल करके रखते हैं? कंट्रोल किया जाता है कुछ कुछ बोल करके, कुछ समझा करके, और दूसरा क्या उपाय है? नहीं, एक आप में एक आदत है जो कि हमेशा फनी टाइप बोलते हैं, उससे पब्लिक जो है एकदम बना हुआ रहता है भाई। चलिए, यही पब्लिक का प्यार है कि जो हम लोग बोलते हैं, बजाते हैं, पब्लिक सुनता है, आशीर्वाद देता है, इससे बढ़कर क्या है। अच्छा, पवन सिंह जी के कई गानों में काम कर चुके हैं, सखी बुरबा अवतार हो गया, मुखिया जी मन होके तो बोली, कई सारे सॉन्ग्स हैं जो जिस पवन सिंह जी के साथ आपने काम किया है। अब हमको खुद याद नहीं है कितना एल्बम में काम कर चुके हैं, तो साथ जब है तो गिनती थोड़े करना है कि कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कितने साल से जुड़े हुए हैं? हो गया कम से कम 15-20 साल। 15-20 साल से उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये बताइए, पवन सिंह जी के साथ आप इतने सालों से जुड़े हुए हैं, कैसा लगता है अभी उनका बिहेव में कैसा बदलाव आया है, कैसा? अच्छा, ये तो सिंपल सा बात है, हम सोशल मीडिया को तो हम देख करके नहीं बोलेंगे, हम उनके साथ रहते हैं, काम करते हैं। तो अगर अच्छा आदमी नहीं रहते तो कोई टिकेगा? एक साल टिकेगा, दो साल टिकेगा, पांच साल टिकेगा, दस साल बीस साल तो नहीं टिकेगा। नहीं नहीं, इसमें ज्यादा दिमाग क्या लगा रहा है? अगर खराब कोई रहेगा तो उसके पास कोई टिकेगा? कभी नहीं। तो आगे क्या बोलना है? क्या बात है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पवन सिंह जी कैसे हैं। एक और सवाल रहेगा, अभी बहुत सारे गाने आ रहे हैं पवन सिंह जी के, कल गाने आ रहे हैं कातिल, टीजर देखा आपने? हम लोग तो काम साथ में करो तो देखना ही है। अच्छा, अच्छा रहा है। गाने में पवन सिंह जी एकदम विलन का रोल कर रहे हैं, और बंदूक धरधराते हुए एक अलग ही रूप में नजर आ रहे हैं, और ये गाना एक नंबर म्यूजिक चैनल जो कि नया बिल्कुल चैनल है, क्या उम्मीद है इस गाने का, एक दिन में कितना मिलियन हो जाएगा? ये तो पब्लिक के ऊपर है। अच्छा। पब्लिक का कितना आशीर्वाद मिल रहा है पवन जी के गाने पर, ये तो कोई बता नहीं सकता है कितना आशीर्वाद मिल रहा है, तो पब्लिक के ऊपर है कौन क्या पसंद कर रहा है। कुछ डायलॉग्स में चाहूंगा जो कि पवन जी कभी बीच में रहते हैं, जो आप कमेंट बाजी करते हैं हमेशा, चाहे डांसर हो चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर जो आप कमेंट बाजी करते हैं, उस तरह का एक छोटा सा कमेंट बाजी में चाहता हूँ, क्योंकि दर्शक आपको उससे ज्यादा जानते हैं। तो कमेंट यहाँ क्या, वो स्टेज है, स्टेज पर पवन जी गाते हैं, अब कब क्या बोलेंगे, हमको कब क्या बोलना है, ये तो मंच है नहीं कि यहाँ डायरेक्ट सुनाया जाए। पवन सिंह जी इसे गुस्सा भी हो जाते हैं कभी कभी, देखता हूँ। देखिए, गुस्सा नहीं होते हैं, कोई ज्यादा एजिटेट करेगा, अब 100 एक दो लोग फोटो खिंचाए, अब 100 आदमी इधर ठेल रहा है, उधर ठेल रहा है, धाका मुक्की, अभी हम ही स्टेज पर गुस्सा हो गए थे। अच्छा। कोई चीज का सिस्टम है, 2-4 आदमी फोटो खिंचाया, अब धाका दो, हम अपना सामान पैक कर रहे हैं, सामान भी कोई पैक कर नहीं दे रहा है, फोटो खिंचाए तो थोड़ा बहुत हो जाता है। पवन सिंह जी का आज कार्यक्रम था पटना में होंडा साइन का, इस कार्यक्रम को कैसे क्या लग रहा है, सफल हुआ है कि नहीं? सफल कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। पवन सिंह जी का नया प्रोजेक्ट क्या आ रहा है अभी? एक भक्ति गाना उनके नए अपने चैनल से आ रहा है, जिसमें उनके पूरे टीम ही नजर आ रहे हैं, उसमें आप भी हैं? हाँ हाँ, तो भक्ति चैनल है पवन सिंह के, हम लोग साथ हैं, काम करते हैं, तो साथ में रहना सिंपल सी बात। तो एक आखिरी सवाल रहेगा, पवन सिंह जी अगर इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो उनके लिए कोई प्यारा सा शब्द छोटे बाबा बोलेंगे जो कि दिल में जो है। सारे श्रोता को क्या चैनल है आपका? पवन सिंह जी को बोलिए कोई भी ऐसा शब्द जो दिल में है आपके, वो अगर इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो। पवन जी, ऐसे ही आपके ऊपर पूरा पब्लिक माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, और सही जुग जुग जियत रही, धन पवन जी के पानी और सही बना रहे उनकर जवानी। क्या बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ छोटे बाबा जी थे।